हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी सीएससी वीएलई भाई के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज यहां पर निकल के आ रही है सीएससी की तरफ से, जिसमें आप सभी सीएससी वीएलई भाई के लिए एक और नया काम यहाँ पर शुरू किया गया है, जिस पर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएससी ने आप सभी के लिए पीएम किसान ई केवाईसी का जो काम है वो शुरू किया है। आपको अपने गांव के जितने भी किसान सम्मान निधि योजना में जो लाभ ले रहे हैं उनकी केवाईसी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। यह काम आपको जो है सीएससी की तरफ से सौंपा गया है। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी क्या है और इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है, कहां से आपको काम करना होगा, उसकी पूरी जानकारी और कमीशन की भी जानकारी हम आपको यहां पर देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो देख लीजिए आप यहाँ पे अपडेट, जो कि यहाँ पर सीएससी के सीईओ श्री दिनेश त्यागी जी द्वारा दिया गया है। और इन्होंने बताया है यहाँ पर कि देखिए, पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, अब ई केवाईसी के बिना नहीं आएगा 10वीं किस्त। यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसान को 10वीं किस्त लेनी है तो उसको अपनी ई केवाईसी करवानी होगी। और फ्रेंड्स, यह जो केवाईसी है यह सीएससी सेंटर के माध्यम से की जाएगी। अब दोस्तों, इसके हम एक और अपडेट दिखा देते हैं। तो नीचे यहाँ पे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे ये अपडेट है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ई केवाईसी का काम है ये सीएससी सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। आप पढ़ भी सकते हैं, ई केवाईसी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मर्स अंडर पीएम किसान थ्रू सीएससी। यानी कि फ्रेंड, सीएससी के माध्यम से किसान की ई केवाईसी की जाएगी, जहां पर बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा जो है किसान की ई केवाईसी कंप्लीट की जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं तो आपको इसके अपडेट के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और आपने ये भी जाना होगा कि आपका ई केवाईसी आप इस पोर्टल पे जाके भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्हीं लोगों का केवाईसी होता है जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। ऐसे में फ्रेंड, जिन लोगों के आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनको सीएससी सेंटर से ही अपनी ई केवाईसी करानी होगी। यहाँ पे देखिए, ये लाइन चल रही है। यहाँ पे इस लाइन में ये बता रहे हैं कि जिनका बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी करानी है वो अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो ई केवाईसी की है वो ई केवाईसी मैंडेटरी है, अगर ई केवाईसी नहीं होती है तो जो किसान की किस्त है वो नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो सीएससी वीएलई है वो किसानों की ई केवाईसी करेगा कैसे। तो दोस्तों, उसके लिए देखिए, यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाता है सीएससी लॉगिन का, या फिर फ्रेंड्स आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करके वहां से पीएम किसान की जो सर्विस है उसे सर्च करके भी सेम इस पेज पे आ सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपको आपकी सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने को बोलेगा। चूंकि फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही इसे लॉगिन कर रखा है तो हमारे पास सीधा इस प्रकार का पेज आएगा। और यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है कि ये सीएससी यूजर के माध्यम से लॉगिन है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक सर्विस को जोड़ा गया है जो है ओटीपी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार। यानी फ्रेंड्स, ये ओटीपी और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप केवाईसी किसी की करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एक्सेस एरर का एक जो है यहाँ पे एरर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है अभी कुछ काम चल रहा हो, सही तरीके से अभी टेस्ट में नहीं हो, इसलिए फ्रेंड्स ये काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़े टाइम बाद इस सर्विस को लाइव कर दिया जाएगा जिससे आप यहां से केवाईसी कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस पे आपको ई केवाईसी करने पर कमीशन कितना मिलेगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहां पर सीएससी गुजरात द्वारा ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। और फ्रेंड्स, ये सीएससी के अलग अलग जो है यहाँ पर जो सर्विस हैं, जो सीएससी के अलग अलग स्टेट में जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बने हुए हैं, उन सब ने यहाँ पर ट्वीट किया है और बताया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो कमीशन है वो 15 रुपए दिया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप किसी किसान की केवाईसी करते हैं तो आपको 15 रुपए जो है यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर कमीशन तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये कमीशन कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखे 15 रुपया चार्ज, यानी कि यहाँ पर 15 रुपये चार्ज कर सकता है जो वीएलई है वो किसान से, जो फार्मर से उससे 15 रुपये चार्ज करता है कर सकता है, जो कि यहाँ पर सीएससी वीएलई को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस प्रकार से जो है वीएलई यहाँ पर
कमाई कर सकता है और यह ईकेवाईसी सभी किसान को कराना अनिवार्य है। और दोस्तों हो सकता है इस ईकेवाईसी प्रक्रिया को सालाना कर दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स सालाना करने से यह फायदा होगा कि जितने भी किसान एक्सपायर हो जाते हैं तो सरकार को उनकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त है वो नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर ईकेवाईसी कराने से सरकार को पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति की जो है यहाँ पर एक्सपायर हो गया है या व्यक्ति वो नहीं है, तो उसका पैसा सरकार को नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे ये फटाक से काम शुरू होता है तो आप तुरंत लॉगिन करके ईकेवाईसी करना शुरू कर दीजिए और फ्रेंड्स यहाँ से आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अपडेट पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।